नमस्कार। यूं तो हिमालयी क्षेत्र कई सारी औषधियों के लिए विख्यात है, पर कुछ ऐसी वनस्पतियां और औषधियां हैं जो दुनिया भर में अपनी विशेष उपयोगिताओं के लिए जानी जाती हैं। और हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर एक ऐसी ही औषधि जो बड़ी ही कौतूहलता पैदा करती है और बड़े ही महंगे दामों में बाहर की मुल्कों में निर्यात की जाती है, उस औषधि को हम आपके सम्मुख आज प्रत्यक्ष रूप से लेकर आ रहे हैं। आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यह औषधि तिब्बत और कोरिया और जापान जैसे देशों में इसे सामर्थ्य और शक्ति को बढ़ाने वाली जड़ी के रूप में काम में लाया जाता है। इसे यारसा गंबू के नाम से जाना जाता है। यारसा गंबू भारत में और तिब्बत में इसका नाम क्रमशः यारसा गुम्बा, यारसा गंबू और बहुत सारे दूसरे नामों से भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। वैसे इसका जो साइंटिफिक और वैज्ञानिक नाम है वो क्वाड्रिसेप्स साइनेंसिस है। आप यदि देखें तो यह एक कीड़ा जड़ी है जो अत्यंत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत, नेपाल और तिब्बत इसके प्रमुख मिलने वाले क्षेत्र हैं जहाँ यह पाई जाती है। साथ साथ इसको चिर यौवन को बरकरार रखने के लिए इसका प्रयोग बहुतायत से लोग कठिन परिस्थितियों में ऊंचाइयों पर भी जाकर इसे निकालते हैं और इसका दोहन करते हैं। हालांकि भारत में इसका दोहन जो है वो अत्यंत ही एक प्रकार से सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन नेपाल और दूसरे देशों में क्रमशः इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह एक लार्वा होता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का एक लार्वा, इंडो क्लाइटा एक्सर्सेंस के नामक का एक लार्वा है जिसके ऊपर स्थित एक परजीवी विकसित होती है जिसे तिब्बती लोग यरत्सा गंबू के नाम से पुकारते हैं। यरत्सा गंबू जो है यह परजीवी के रूप में विकसित होता है और यह मानसून के आने के पूर्व जो है इसका कीट कुकून से बाहर कैटरपिलर लार्वा के रूप में बाहर आ जाता है और ये लार्वा जाड़ों में भी दिखाई देता है और लेकिन वसंत ऋतु में यह जीवित नहीं रहता और इसके स्पोर्स बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं और बड़ा ही छोटा सा इसका जीवन चक्र होता है। आर्द्रता की कमी होने पर यह जो है इसके जो लार्वा हैं ये मर जाते हैं। भारत में भी ये उत्तराखंड राज्य में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। इसके संग्रहण, उत्पादन एवं निर्यात पर क्रमशः नियंत्रण रखा गया है। लोग इसकी तलाश में ऊंचाइयों में जाते हैं और कई बार मौसम की मार से अपनी जान को खतरे में भी डाल देते हैं। चीन, हांगकांग, ताइवान और कोरिया इसके प्रमुख जो है वह मांगकर्ता देश हैं जहाँ ये बहुतायत से भेजा जाता है। बायोडाइवर्स कंजर्व नामक एक जर्नल है, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार कैटरपिलस जो फंगस है इसका व्यवसाय फंगस इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यापार से काफ़ी हद तक जो है वो अर्थतंत्र को बदलने की संभावना भी बताई गई है। 3 से 4 वर्षों में इसके कैटरपिलर फंगस की जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कीमत है वो काफ़ी बढ़ गई है और लगभग लगभग इसका उत्पादन जो है वो 1,54,326 हेक्टेयर में 320 से 380 किलो तक देखा गया है। इसकी स्थानीय कीमत 14 से 18 करोड़ रुपए तक आकी गई है, यानी 320 से 380 किलो की कीमत लगभग 18 करोड़ रुपए तक जाती है और एक स्थानीय लोग इसकी एक जड़ी की कीमत जो है वो भारतीय मुद्रा में 300 से 500 रुपए तक ये जाती है। नेपाल में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी मंडियाँ शंघाई, बीजिंग, सिंगापुर, टोक्यो और काठमांडू हैं। भूटान ने इसकी बिक्री के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मेले लगाकर विपणन की व्यवस्था की है। इसके औषधीय गुणों के कारण ही इसे हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है और हिमालयन वियाग्रा मूल रूप से इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कामोत्तेजक प्रभाव देखे जाते हैं, लेकिन हाल के ही कुछ शोधों में इसके एंटी माइक्रोबियल प्रभाव भी देखे गए हैं। इसे हिमालयन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग फेफड़ों के संक्रमण में, दर्द में, सियाटिका में एवं कमर दर्द जैसे जैसी स्थितियों में इसका प्रयोग कराया जाता है। बच्चों में शैयामूत्र में भी ये काफ़ी लाभकारी होता है।
लीवर पर भी इस कैटरपिलर फंगस के अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। इसका नियमित प्रयोग रक्तगत वसा को नियंत्रित करता है। यह अत्यधिक उष्ण होने के बावजूद भी शुष्क ना होने के कारण एक अच्छे सप्लीमेंट का काम करता है। हाल के शोध के अनुसार इसमें पाया जाने वाला रसायन क्वाड्रिसेप्टिन एडिनोसिन की तरह ही शरीर में कार्य करता है, जिससे रक्तस्राव को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। चीन में स्थित बीजिंग मेडिकल विश्वविद्यालय एवं जापान में हुए शोध के अनुसार इसका प्रयोग नपुंसकता में भी किया जाता है। चीन में अत्यंत प्राचीन काल से ही इसे औषधि के रूप में इसका प्रयोग कराया जाता है। इस कैटरपिलर फंगस में मिलने वाला क्वाड्रिसेप्टिन लिडिक कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाकर, यानी उसकी स्टेरियोडाइजेनेसिस को बढ़ाकर, यह पुरुष में होने वाली नपुंसकता को दूर करता है। इन सभी तथ्यों से हम यह कह सकते हैं कि कीड़ा जड़ी नाम की यह प्रचलित औषधि कैटरपिलर फंगस रसायन औषधि के रूप में प्रयोग में आती है, और इसका विशेष तरीके से अन्य हर्बल औषधियों के साथ मिलाकर कराया गया प्रयोग अत्यंत ही लाभकारी होता है। इन्हीं कारणों से शायद इसके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इतनी कीमत होगी, और इस पे अभी और भी अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। और भारत में भी इस पर कई सारे शोध किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ये जाना जा सके कि क्यों इसे हिमालयन गोल्ड या हिमालयन विएग्रा नाम दिया गया है।